को पैसा आता रहा और फिर उन्होंने कुछ महीनों बाद ये अंडरस्टैंड किया कि अगर मैं खुद एक्टिव हो जाऊंगी और मैं खुद अपने बिजनेस को संभालना शुरू कर लूंगी तो मैं इस बिजनेस को और बड़ा कर सकती हूँ। और उन्होंने पिछले 2 साल में इस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया और आपको जाने खुशी होगी कि उन्होंने इस बिजनेस में अम्बेसडर लेवल को अचीव किया। मैं बुलाना चाह रहा हूँ झारखंड से एक बहुत ही टैलेंटेड लीडर, सब लोग के सामने खड़े होकर जोरदार तालियां इस रानी की झांसी के लिए, मैडम सुमन जी के लिए एक बार जोर से कि उन्होंने मंच के पास आए। बहुत ही जबरदस्त ये कहानी है और ये कहानी सुनेंगे हम उनकी जुबानी, इन्होंने कैसे इस बिजनेस में स्ट्रगल किया और कैसे आगे आए। अशोक सर और सत्यम सर, मेरे जितने मेरे घर वाले मेरे बारे में नहीं सोचते, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे अपलाइन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सर, और सागर सर और धर्मेंद्र सर के लिए। मेरे जो मेरे आईएमसी परिवार है उन लोग बहुत सपोर्ट किए, हमको हौसला दिए मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, कदम से कदम मिला के चले मेरे साथ। कभी हिम्मत को अगर टूट भी जाता था तो जितने चेयरमैन है मेरे नीचे वो लोग बहुत हमको हौसला दिए। और भोले टोको जो गांव-गांव जाके चेयरमैन अचीव किए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हस्बैंड आईएमसी किए वो जहां भी है उनके आत्मा के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं कि आज आईएमसी अगर नहीं करते तो शायद आज मेरे बच्चे रोड पे होते, क्योंकि मेरे घर वाले जब देहांत होने के बाद हमको छोड़ दिए कि जब मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बहू और पोती, मतलब छोटी छोटी दो बेटियां हैं मेरी। आज मेरे टीम अपलायन सर लोग की मदद से आज रोड पे नहीं है हम, और छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो शाम से अभी पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, क्योंकि आईएमसी का देन है। शायद दूसरे जगह पे मेरे हस्बैंड काम करते तो ये चीज नहीं हो पाता, क्योंकि वो हमको एजुकेशन या कहीं सर्विस वो लेवल पे हमको नहीं देते जहां यहाँ सम्मान इज्जत जो मिलता है वो दूसरे जगह पे नहीं मिलता। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से भी गुजारिश है कि वाइफ हस्बैंड दोनों मिल के ही काम करें, कि कल कोई देख के नहीं चला है। अगर कोई भी एक घर का सदस्य अगर इसको समझ जाए तो अगर गुजरने के बाद उनको थोड़ा सा हिम्मत तो डटे रहेगा। और जब मेरी बच्ची मजाक से ही बात की अपने घर वाले से कि हमको स्कूल का फीस दे दीजिए, मेरे घर वाले मतलब मेरे क्या उनके अपने दादा दादी चाचे चाचे सब बोल दिए सीधे गवर्नमेंट स्कूल खुला है चले जाओ। अब सोचिए जिसके घर फैमिली सब वो छोटी छोटी बच्चे का आत्मा क्या सोचा होगा कि उसके अपने घर वाले उनको बोल दिए नहीं है मेरा पैसा सरकारी स्कूल जाए। तो बच्ची के अंदर इतने हिम्मत है कि अपना दादा
करके गए हैं। तो हम क्यों सरकारी स्कूल जाएं? अब मेरे घर में चार चार आदमी सब जॉब करने वाले, पर दो बच्चियां नहीं पढ़ा सके। पर आईएमसी में उसकी माँ कहीं भी है, उनके पापा की है, पर वो शान से अभी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोग से भी गुजारिश करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को हाँ, मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, 125 उनको भी मेंटेन हम करके रखते हैं। सब भाई एक्सपायर होने के बाद बोल दिए गाड़ी को बेच दो, और गाड़ी में भी शान से मेरे बच्चे और घूमते हैं। क्या बोलते हैं जानते, गांव में सबसे अमीर आदमी हम हैं, मेरे बच्चे खुद बोलते हैं। 10 चेयरमैन है ना आपके? 10 चेयरमैन इनके नीचे टीम में, इनके हस्बैंड काम करके गए और मैडम अब काम कर रहे हैं। इनकी टीम में 10 चेयरमैन हैं जो इनकी टीम में काम कर रहे हैं, 10 चेयरमैन मेंटेन चेयरमैन 10 चेयरमैन। तो आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देता है। ये एक एग्जांपल, ऐसी कई दिलचस्प एग्जांपल हमारे कंपनी के अंदर है जहाँ पे ऐसा हादसा बिजनेस हुआ और आज पैसे जो है लगातार उनकी फैमिली को आ रहे हैं। और मैडम ने ये ठान लिया है कि मैं अपने हस्बैंड का जो ड्रीम था कोहिनूर बनने का, वो मैं करके दिखाएंगे। एक बार जो ताली बाजी, एक और ऐसी स्टोरी हमारे बीच में है, मैं उनको भी आगे बुलाना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं कि ये बिजनेस जो है जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है, कि आपके बाद आपके परिवार को ही बिजनेस जाएगा, आपके बच्चों का बिजनेस जाएगा। ऐसी एक और हादसा हुआ किसी फैमिली के अंदर, तो एक और एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं आज। ये हमारे लर्निंग्स हैं, ये हमारे लिए एक समझिए एक्सपीरियंस है आपके लिए भी, कि जो एक्चुअल में हम बोल रहे हैं वो सच्ची में हमारे बिजनेस में होता है। सिक्योरिटी की बात हमने की, आज एक और बात करें कि बिजनेस जो जनरेशन जनरेशन आगे जाता है। तो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पे एक फैमिली में ऐसे ही फादर काम कर रहे थे, उनकी किसी कारणवश एज भी थी और कारणवश डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो उनकी फैमिली के घर में उनका बेटा था, बेटा अभी जवान था, उसको नहीं समझ थी कि मुझे क्या करना है। तो लेकिन उन्होंने देखा कि अगर मैं पापा का बिजनेस संभाल लूं और इसी में अगर डट के मेहनत करूं तो मैं ये बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। उन्होंने अपने फादर का जो आईएमसी बिजनेस था, नौकरी ना करते हुए कहीं और बिजनेस, आईएमसी बिजनेस को संभाला और आज एक बहुत सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूं एक और डायनेमिक लीडर जिनका नाम है अश्विनी कुमार जी और जो कंपनी में एम्बेसडर बन चुके हैं। आइए उनकी स्टोरी सुनते हैं। गुड आईएमसी Thank you so much everyone for inviting me on this stage. It's just my father who put me on this stage. So, मेरे पिताजी IMC business के साथ जुड़े हुए थे 2015 से और वो डेडिकेटेडली IMC के अंदर ही काम करते थे। वो हमेशा अपना वीक में अपना पैकिंग करके वो IMC business के business trips पे निकल जाते थे और उसके बाद उनको उनकी अपलाइन सपोर्ट जैसे मैं बताऊंगा शिवकांत सर है, दीक्षिका मैम है, उन सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट था और उन्हीं की वजह से वो आप आज इस लेवल पे मेरे को छोड़ के गए हैं। तो मैं जो है मैं कोई जॉब करने के लिए मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जॉब करने को जॉब भी कर सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और कम टाइम में जो मैं ग्रोथ लेना चाहता हूँ वो चीज मेरे को यहाँ पे समझ में आती है। तो मैं अब अपनी फादर की लेगेसी को मेंटेन करते हुए मैं अपने बिजनेस को आगे लेने ले जाना चाहता हूँ। और जैसे कि जो ग्रेट सपोर्ट रहता है हमारे अप्लायंस का, दीक्षिका मैम है, हमारे शिवकांत सर है और सतीश सर है, आई एम वेरी थैंकफुल टू सतीश सर जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू जी, थैंक यू सर। दोस्तों ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जो हमारे बिजनेस में है।
सो एक और एग्जांपल मैं अभी बताना चाहूंगा. बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे नौकरियां नहीं है, जहां पे बिजनेस नहीं है, जहां पे पढ़ाई नहीं है, जहां पे जीवन जो है वो बहुत डिफरेंट है, ऐसे आम बड़े बड़े शहरों का जीवन नहीं है. तो ऐसी एक झारखंड से एक ऐसे एरिया में जिसको हम नक्सलाइट एरिया कहते हैं, वहां पे छोटे से गांव में जहां पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जहां पे कोई बिजनेस करने को नहीं था, वहां पे एक लेडी ने आईएमसी बिजनेस को शुरू किया एक छोटे से एरिया में, नक्सलाइट एरिया में झारखंड से. और वहां पे उस बिजनेस को शुरू किया और उस बिजनेस को करना शुरू किया और आज वो कंपनी में चेयरमैन लेवल जो है उनको ब्रेक कर चुकी है. तो आप देखिए एक लेडी जो एक इस छोटे से गांव से बिलोंग करती है और आज यहां पहुंच चुकी है एक फीमेल होते हुए. तो मैं बता चाहूंगा उनको वायलेट टोपू जी को जो हमारे झारखंड से हैं और वो जोर डालिए मैडम की हिम्मत के लिए, हमारी नारी शक्ति को आगे बढ़ावा देती है, आप समझ सकते हैं. और मैं चाहूंगा इनसे हम सुनते हैं कि कहानी कैसे एक छोटे से गांव से, झारखंड के एक छोटे से कस्बे से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस को बिल्ड किया. गुड एमसी, एमसी परिवार को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद. और गुड एमसी दोस्तों, मैं मेरा नाम वायलेट टोपो है, मेरा गांव सिमडेगा है, सिमडेगा जिला से बिलोंग करती हूँ और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं एक आदिवासी कष्ट से हूँ जो कि आदिवासी लोग का सोच बहुत छोटा रहता है. इसलिए मेरे बेटे भी डेट कर गए थे और मुझे इतने पैसे का दिक्कत हुआ 30,000 रुपया के लिए हम घर छोड़े जो कि मेरा बेटा का पैर कट गया था कैंसर से और मैं उस 30,000 पैसा कमाने के लिए मैं घर छोड़ी. और मुझे सब कोई बोलने लगे कि घर छोड़ गई क्या यह सरकारी नौकरी करती है, क्या यह बिल्डिंग घर बनेगी. मुझे बहुत टॉर्चर मिलता था लेकिन मैं बोली मैं पैदा हुई हूँ तो कुछ करके ही रहूंगी, कुछ भी बोले लोग. और मैं वहाँ एक मेरे सर जो सुभाष सर है उसका भी आज यहाँ नहीं है तो भी मैं उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आईएमसी को मेरे सामने लाए. और मैं छिप के आईडी बनाई थी जहाँ वहाँ पूरा कैमरा लगे हुए थे और मैं साइड में जाके, आज मुझे गर्व हो रही है कि लोग दुनिया देख रहे हैं और उस दिन मैं छिप के आईडी बनाई थी. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, मुझे बहुत गर्व होता है. और फिर मैं आईडी बनाई, मेरे हस्बैंड से भी मैं छिप के बनाई. कुछ दिन हुआ मेरे हस्बैंड को मैं बताई कितना दिन मैं छिप के काम कर सकती हूँ, मैं हम लोग फैमिली बिजनेस करना है. और मैं मेरे हस्बैंड को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. मैं बीज डालने का भाई ये काम की लेकिन इसको बढ़ाने का काम मेरे हस्बैंड किए और हम लोग दोनों मिलके काम किए. और मैं रांची जैसे शहर में जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ शिवकंद सर गए थे, मुझे कुछ पता नहीं था बिजनेस का, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज्यादा, तो भी वो शिवकंद सर का बोलने का और ये उसका जीवनी से मेरा दिल को छुआ और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. वे नहीं थे तो भी मैं इसकी का बता बता के लोगों को, वो इतने गरीबी थे और वो आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. और वही आज मेरा दिल को छुआ है और मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ. और जब दीपिका मिंज आ गए तो मेरे लिए बहुत ही ये हुआ और इतने मेरे गरीबी क्षेत्र में गए, मेरे घर में रुके और हम लोग पूरा काम किए. और मैं महिला लोग को इतने हौसला देती हूँ और हम लोग काम करने के लिए तत्पर है और दीपिका मैम हमेशा हम लोग के साथ रहे, हर लेडी हम लोग को आगे बढ़ना है. और मैं अभी ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग जाते हैं गांव गांव तो वही बोलते हैं कि ये लोग एमसी कर रहे हैं, अभी मेरा बहुत बुराई चला, यहाँ भी आए हैं तो बोल रहे हैं ये लोग दूसरा कंपनी में चले गए. आज लोग देखे मैं दूसरा कंपनी में कभी नहीं जाऊंगी, मैं जिस थाली में खा रही उसको छेद में कभी नहीं करूंगी. लोग बहुत खोल आए हम लोग के पीछे. मेरे हस्बैंड को बोले सावधान हो जाइए, आप चले जाइए पर मेरा आईडी है, मेरा है, हम जाने नहीं देंगे और नहीं जाएंगे, किसी सीनियर से संपर्क मत कीजिए, कुछ दिन हम लोग शांत रहे कोई चले जाएंगे लेकिन हम लोग रहेंगे. और इस काम के मेरे हस्बैंड लड़ाई हो जाते हैं क्योंकि दूसरा कंपनी का बात आ जाती, मेरे हस्बैंड लड़ते नहीं है पर दूसरे कंपनी का बात आ जाती हो तो वो पूरा गुस्सा करने लगते हैं कि हम लोग जिससे ये से हम लोग का जिंदगी बदला है, हम लोग इतने गरीबी थे और गरीबी से हम लोग ऊंचा
अलेबम में आए हैं, इतना मेरा परिवार सुधरा है, तो उस दिन को हम लोग क्यों भूलेंगे। और सत्यम सर, अशोक सर जैसे जैसे लीडर, मेरा सोच जैसे है वैसे सर लोग का सोच है। पैसा से हमको ये नहीं है, लेकिन जिसका व्यवहार है उसी से हम रहेंगे। हमको 40 लाख का गाड़ी देने वाले थे, मैं बोली 40 लाख का गाड़ी नहीं, जिस दिन मैं अपना ये से करूंगी उस दिन आ जाएगा। तो मैं आप बहुत कोई को बोलती हूँ कि ये बोलते हैं मेरे नीचे वाले कभी कभी दूसरे को भटका देते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग काम करेंगे तो इन लोग का चलेगा। मैं बोलती दवा दुआ दोनों कीजिए। कहे कि अभी सुमन मैडम जो हम लोग का मिस्टर स्टार है और इनके सर थे, हम लोग को इतना आगे बढ़ाए हैं। तो मैं बोलती हूँ जैसे हम कर रहे हैं तो एक विधवा का परिवार चल रहा है, एक अनाथ बच्चा का रोजी रोटी चल रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग क्यों नहीं करे। ऐसे सबका सोच बदले कि आज हम एक एमसी का पी रहे तो भी दूसरा एक अनाथ परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। ये काम करके सोच के काम कीजिए कि हम लोग दुनिया में आए हैं तो कुछ करने के लिए ऊपर वाला दिया है, तो कुछ करके ही जाएंगे हम लोग, कुछ करके ही जाएंगे। वो गारंटी वो। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे पता है कि बहुत सारे और स्टोरीज हमारे बीच यहाँ बैठे हैं यहाँ पे, अगर ब्रागर होगा तो आज पूरी शाम हो जाएगी, लेकिन आज हमारे बीच हमारे कंपनी के जो पितामह हैं जिनसे मैंने सीखा है कुछ, जो भी आज मैं बोलता हूँ